हमीरपुर में बीते दिन धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया था। यहाँ एक नायाब तहसीलदार ने न सिर्फ मुस्लिम धर्म अपनाया बल्कि मुस्लिम महिला से चोरी छिपे दूसरी शादी भी कर ली थी। इस मामले ने तब तूल पकड़ा था जब नायाब तहसीलदार की नमाज पढ़ते फोटो वायरल हुई थी। इस मामले में पुलिस ने धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में दो नामजद समेत चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जबकि नायाब तहसीलदार की पहली पत्नी ने भी दूसरी शादी करने के आरोप में नायाब तहसीलदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बता दें कि धर्म परिवर्तन का ये मामला मोदहा कोतवाली कस्बे का था। यहाँ बीते दिन मोदहा तहसील में तैनात नायाब तहसीलदार आशीष गुप्ता का मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए फोटो वायरल हुआ। तब से ही प्रशासनिक अमले में हड़कंप मचा हुआ था और पुलिस जांच में जुटी थी। यूपी के हमीरपुर में तैनात नायाब तहसीलदार आशीष गुप्ता पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। 32 साल के आशीष गुप्ता पर चोरी छिपे धर्म परिवर्तन कर पहली पत्नी के होते हुए मुस्लिम लड़की से दूसरी शादी करने के आरोप लगे हैं। आशीष की पहली पत्नी आरती गुप्ता के मुताबिक दो बच्चे होते हुए भी पति ने दूसरी शादी रचा ली और मोहम्मद यूसुफ बनकर रहने लगा। आरती के मुताबिक आशीष की कथित नई पत्नी और उसके घर वालों ने बहला फुसला कर उसके पति का धर्म परिवर्तन करवाया और फिर उसकी शादी करवा दी। इस मामले ने तूल तब पकड़ा जब आशीष की मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए फोटो वायरल हुई। इसमें वो सिर पर जालीदार टोपी लगाकर नमाज पढ़ते हुए नजर आ रहा है, जिसके बाद विभाग में भी खलबली मच गई। अब पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों पर एक्शन लिया है। वहीं हमीरपुर एसपी दीक्षा शर्मा ने बताया कि नायाब तहसीलदार आशीष गुप्ता की पत्नी ने नायाब तहसीलदार समेत पाँच लोगों के खिलाफ सदर कोतवाली में तहरीर दी है। एसपी ने बताया कि सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। दो नामजद पुलिस हिरासत में है, जबकि नायाब तहसीलदार द्वारा दूसरी शादी करने के साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं। कल सदर कोतवाली में एक महिला के द्वारा एप्लीकेशन दी गई थी कि उनके पति, जो कि अभी वर्तमान में नायब तहसीलदार के पद पर तैनात है मोदा में, उन्होंने दूसरी शादी कर ली है अपनी पत्नी को तलाक दिए बिना, और शादी करने के उसमें के लिए ही वहां पे एक दरगाह के मौलवी द्वारा उनका रहते घर परिवर्तन कराया गया है। इसमें तहरीर दी है, तीन चार लोगों को नामजद किया है और कुछ अन्य लोग हैं जिन सबके खिलाफ उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, और इसमें मौलवी और एक नामजद अभियुक्त मुन्ना, इन सबको पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिया गया है और आगे की जानकारी इसमें की जाएगी। दूसरी शादी भी की थी मैडम उन्होंने, हाँ, पत्नी के द्वारा उन पर यह भी आरोप लगाया गया है पति पे कि उनको तलाक दिए बिना उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। इसके बारे में भी सारे एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं और आगे की वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।